सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में बहुत ही स्वागत है। और मैं अभी सुबह का टाइम है तो मैं आलू को उबाली हूँ और उसको छील रही हूँ। उसके बाद मसाले को तैयार करूँगी। अभी बच्चे पढ़ने को गए हैं तो सुबह का टाइम में मैं कुछ उसको सत्तू वगैरह दे देती हूँ और उसके बाद बिस्किट और वो खा के चली जाती हैं दोनों बच्चे, तो मैं काम में लगती हूँ और सारे काम अभी खुद करती हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद मैं जो अपना सारा काम होती है बीच बीच में मैं झाड़ू दे भी देती हूँ। थोड़े बच्चे हुए हैं झाड़ू भी देने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी एक दो रूम में दे दी थी। उसके बाद और भी बच्चे हुए हैं, एक रूम बचे हुए हैं, बरांडा बचा हुआ है। और बरांडा जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वो फिर दोबारा भी गंदी हो जाती है, तो उसको दोबारा मैं झाड़ू देती हूँ। और रूम में भी एक रूम जो है उसमें बार बार जाते आते गंदे हो जाते हैं, तो उसको दोबारा मैं झाड़ू देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ खाना बनाने के बाद। तो मैं अपना आराम से बैठी हूँ और काम कर रही हूँ। ये सारे काम हो जाएंगे तो मैं फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। आज आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो अभी कद्दू भी थी लेकिन अभी नहीं बनाई हूँ कद्दू। आज मुझे इच्छा थी आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी खाने का, तो वही बना रही हूँ। और अभी जो आजकल के जो मौसम है, अभी थोड़ा गर्मी कुछ कम हुई है और लगती भी है कभी कभी, गर्मी भी इससे ज़्यादा भी लगने लगती है, लेकिन अभी लगभग में ठीक है और उतना बेचैनी नहीं होती है जितना कि पहले थी इससे। तो जो ये होती है अक्टूबर नवंबर के महीने, उसमें अच्छी होती है वो महीने, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और सर्दी तो नहीं ही लगती है, तो अच्छी होती है। अभी मैं आज खाना बनाने वाली हूँ कि आज मंगलवार है और मुझे पूजा भी करनी है। मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो तो अभी सुंदरकांड कहीं पर होने वाली है, उसके लिए जाने वाले जाएंगे आज, और गोष्ठी में भी जाते हैं। वैसे मैं कोई पंडित नहीं हूँ लेकिन मैं आम आदमी हूँ, वो सिर्फ टाइटल ही मेरी है जो झा है, तो उनको अब पूजा का धुन है ज़्यादा है धुन। शुरू शुरू में सेवा का धुन था, पूजा का धुन है, उनको धुन ही रहता है, धुन ही धुन में वो जीते हैं। तो मुझे तो, मैं तो एक लेडी हूँ, सिर्फ घर का काम करती हूँ, बाहर तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तो हमारे सब जो मिडिल क्लास के होते हैं लोग, तो वो अपना घर में ही रहते हैं, कहीं पर कोई काम नहीं कर पाते, और गांव में तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो मैं अपना घर में खाना उना जो भी होती है, हाउसवाइफ का जो भी काम होती है, मैं अपना वही बच्चे को संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ। और शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं कुछ पैसे भी कमाऊँ, तो क्योंकि मुझे किसी से ज़्यादा मांगना पसंद नहीं है और मैं इसलिए कम ही खर्च करती हूँ, मुझे डिमांड करना अच्छी नहीं लगती, तो खुद से कमाना ही अच्छी लगती है। तो अपना पैसा रहता है तो अपना जो भी मन हो आपका वो खुले से कर सकते हैं। तो अभी मैं मसाले को तैयार करके और फिर मिक्सी में डाल रही हूँ, मिक्सी के डब्बे में, और मिक्सी में फिर पीस लूँगी। तो जितने भी हैं काली मिर्च जीरा इसी में डाल दूँगी और दालचीनी
और सभी को एक साथ रख के फिर पीस दूंगी, तो फिर मुझे एक अलग से कूटने नहीं पड़ेगी और सब्जी में डाल दूंगी। तो अभी मैं आज बच्ची जो है बेबी उसको लाए थे नहीं सुबह, कल परसों तो सुबह में आया था, अभी सुबह में नहीं आया है, बाद में आएगा तो हो सकता है। तो अभी मैं जल्दी से फटाफट काम अपना कर लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं अभी गैस जोड़ दी हूँ और सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, भूंज रही हूँ जो मसाले हैं उस डाल के, और जब ये भुन जाएंगे तो मैं जल्दी से ही सब्ज़ी बना लूँगी और फटाफट मेरी सब्ज़ी बन जाएंगी। तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो होती हैं जो आप सब इसको ज़रूर देख लिया कीजिए, कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही तो वीडियो है, और आप लाइक भी नहीं करते तो देख के लाइक ज़रूर कीजिए, जो भी देखते हैं दोस्तों उसको लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना के और आटा गूँथ के रखती हूँ, उसके बाद मैं नहा के और कपड़े को फिर डाल रही हूँ, तो फिर जाऊँगी तो मैं फिर पूजा कर लूँगी। तो कपड़े अभी धूप हो गए थे और लगभग 10 बज चुके थे, 10 से थोड़ी ही कम थी, तो 10 तो बज ही जाएंगे अभी तुरंत, तो मुझे बहुत टाइम लग गए थे। तो कपड़े को बीच बीच में मैं कुछ काम भी कर ली थी पूजा, तो इसी नहाने के बाद तो फिर कपड़े डालने के लिए आई थी। तो अब मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी भगवान का, तो भगवान का पूजा कर ली हूँ मैं, और पूजा करके फिर पाठ करूँगी आराम से सुंदरकांड का, और फिर पूजा करके मैं अपना जी जो ये कचौड़ी थी उसको मैं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद मेरे बच्चे को भी खाना खाना है तो वो आ जाएंगे, तो 10:30 से बजे तक वो ज़रूर आ जाएंगे, तो उसको फिर खाना देनी है। तो मैं अपना ये कचौड़ी है इसे फटाफट मैं बना रही हूँ, एक से एक एक दोबारा, मतलब कि अभी मैं बेल के थोड़ी रख ली थी और फिर छान के फिर बचेंगे जो कुछ वो मैं बेल के फिर से छान लूँगी। तो अभी घर जो है सो गंदे हो गए हैं और उसका सफाई करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में उसकी मैं सफाई कर दूँगी, समय बचते भी हैं तो खाना बनाते बनाते नहाते और काम करते खाते 11 बज जाते हैं और फिर मैं थक जाती हूँ तो थोड़ी आराम करती हूँ। तो अभी जो ये जगह थी तो आटा फैल गई थी बेलने से, तो फिर साफ़ करके मैं उसको रख दी हूँ, अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और ये अभी सामान जो है बिखरे हैं कुछ, इसको मैं सेट कर दूँगी, अच्छे से रख दूँगी। अब मैं खाना खा लूँगी, हो गया काम मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और कान्हा जी की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं अभी आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। तो आजकल तो अभी गर्मी है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन है। तो अभी जो मैं आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी घर जो पुताई और मुरम्मत हो रही थी, मैंने आपको तभी बोली थी कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती, मेरा कहा कुछ भी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, और जो भी काम होती है बहुत ही टाइम लेकर होती है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाती और जान नहीं पाती, जो भी मेरे मन में अंदाज में आती है वो मैं आपको बोल देती हूँ या किसी को भी। तो मुझे लगता है कि हाँ ये अब यहाँ जो मैं हूँ तो टूटने वाली हूँ, बहुत पुरानी ये घर लगती है और पुरानी भी है, क्योंकि मैं जब आई थी तो यहाँ पर एक दो रूम बने हुए थे जिसको सिर्फ उसको घेर कर और फिर उसका थोड़ा मरम्मत करके मैं रही थी, और आगे फिर बढ़ाया गया था जो बहुत ही मामूली सी थी। तो मैं बहुत दिखते भी सही हूँ, और जब मैं आई थी यहाँ पर घर भी नहीं बने हुए थे, मुझे लाकर मैं कैसे रख दिए थे, और ये मैं दलान में रहती थी, मुझे बहुत सारी दिखते हुई थी, बहुत नई थी, मैं निकल भी नहीं पाती थी घर से, तो बच्चे भी थे जो बहुत छोटे छोटे तब बच्चे थे मेरे, और मैं इतना दिक्कत सही हूँ जो मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे नहाने में, बाहर जाने में 5 मिनट या कोई भी काम करने में, बच्चे का भी मुझे बहुत दिक्कत होती, खाना भी मैं ढंग से बना नहीं पाती थी, और मैं वहाँ पर रहने पाई जो पहले मेरे सासर रहती थी वहाँ पर वो रहती थी तब भी,
लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर मुझे ला के रख दिए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर बनाव नहीं था। तो मैं बहुत दिक्कत करके रही हूँ और फिर मुझे वही दिक्कत आने वाली है, लगती है जो यहाँ पर है। कम से कम व्यवस्थित तो थी, थोड़े जितना ही थी व्यवस्थित थी। तो अब आगे हो सकता है कि घर भी बन सकते हैं, टूटेंगे, और मैं इसका अनुमान कर रही हूँ। और जो मरम्मत हुई थी उस घर का बाहर, वो पुराने हैं तो उनकी मरम्मत हुई थी, पुताई हुई थी, कलर हुई थी, तो मैं वहाँ उसी घर में जाके रहूँगी। और उसके लिए टाइम लग रहे हैं, जैसे उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है, काम है, जो व्यवस्थित वहाँ जहाँ लोग रहते हैं उसको व्यवस्थित करके ही रहते हैं, बेड आदि, बिजली पंखा, हर चीज़, तो उसकी व्यवस्था करने में टाइम लग रहे हैं। जो भी वो काम करते हैं उसमें ज़रूर टाइम लगाते हैं, सोचते रहते हैं, बस काम नहीं करते, और करते हैं तो करते हैं, आज कल करके तो बहुत ही टाइम लगाते हैं और बहुत टाइम लग गए हैं। तो पहले भी मैं यहाँ सो मेरे गला जो है घेरती है, मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब है, थोड़ी कमजोरी सी आ जाती है। तो सुबह में जब बच्चे तैयारी करें एग्ज़ाम की और पढ़ने की, तो देखिए 6 महीना से ऊपर बीत गई है ये, और एग्ज़ाम जो है उसके लिए तो तैयारी तो ज़रूर करना पड़ेगी। और मैं सुबह में खुद ही काम की थी, अभी मेरे 2-4 दिन से बच्ची नहीं कर रही है काम, तो मैं खुद ही अकेले ही करती हूँ, तो टाइम तो उतना ही लगती है क्योंकि अकेले करती हूँ, जल्दी से करती हूँ, सवेर थोड़ी उठती हूँ आजकल। आज तो 5:30 बजे उठी थी और थोड़ी देर के लिए बेबी को भी ली थी, तो कुछ टाइम लग गए थे। आज मंगलवार है और सुंदरकांड का पाठ करती हूँ मंगलवार के दिन, तो उसमें भी टाइम लगी थी, आधे घंटा लग गई थी। तो आज मैं अभी अपने बेटे के साथ खूब हंसी हूँ, कुछ कुछ बात इधर उधर का करके। तो अभी मैं दोपहर के समय में आराम करती हूँ और कुछ सीरियल भी देखती हूँ, आराम भी करती हूँ। मुझे सीरियल देखने की आदत है, अगर नहीं देखती तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो देखिए पसीना आ रही है मुझको, तो और शाम के टाइम में मुझे अभी जाऊंगी तो मैं कपड़े उठाऊंगी और उसके बाद भी आगे का काम करूंगी, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और बहुत सारे काम भी हैं, तो धीरे धीरे तो घर का काम मुझे करना ही होगा। तो घर में जो भी जितने भी काम होते हैं, मैं मुझे उसके लिए अब मैं मुझे पता ही नहीं रहती, तो अगर डिसीजन मैं नहीं लेती, और अगर मैं लेती भी डिसीजन ज़रूर मैं कमाती तो उसके लिए मुझे अधिकार हो जाता और तब मैं अपना अधिकार ज़रूर खोजती मांगती। लेकिन अभी तो मैं कुछ कमाती नहीं, और बहुत दिन से शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ कमाऊँ और कुछ पैसे जो मैं खाती हूँ, खर्चा करती हूँ और जो भी मुझमें होते हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी आदत थी कि मैं खुद का पैसा ही खर्च ज़्यादा करने में मुझे अच्छा लगता है, दूसरों का लेकर नहीं, तो वो हो नहीं पाई है। और मैं अभी तक यही सोचती ही रह गई हूँ, तो फिर आगे मैं आपसे बात करूँगी और बहुत सारी बात आपको बतलाऊँगी। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो टेक केयर, बाय। आप अच्छे से रहें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।